नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम सत्तू का नमकीन शरबत बनाएंगे। सत्तू का शरबत बिहार की रेसिपी है। इसे गर्मी के मौसम में बनाकर पिया जाता है। यह शरबत बहुत ही तरावट देने वाला होता है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। आजकल ये बड़े शहरों में कई पॉपुलर मार्केट में इसके ठेले मिल जाते हैं जहाँ सत्तू का शरबत पिया जा सकता है। तो आइए देखते हैं सत्तू का नमकीन शरबत बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये सत्तू है, आधा कप सत्तू ले लिया है हमने और 10-12 पत्ती पुदीने की बारीक काट ली हैं। आधा नींबू ले लिया है, आधी छोटी हरी मिर्च जो एकदम बारीक काट ली है, आधा छोटी चम्मच काला नमक और 1/4 छोटी चम्मच सादा नमक, 1/4 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा। अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो आधी छोटी प्याज बारीक कतर करके मिलाएंगे इसमें। तो अभी हम सत्तू का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हम सत्तू को घोलकर तैयार करेंगे। ये फ्रिज का हमने ठंडा पानी लिया है, तो पहले थोड़ा सा पानी डाल के हम ज़रा सत्तू को गुठले ख़त्म होने तक घोल लेते हैं। एकदम चिकना घोल बना लेना है। ये पहले हमने सत्तू की गुठलियाँ ख़त्म होने तक घोल लिया और इसके बाद इसमें पूरा कप पानी डाल दिया। तो ये आधा कप सत्तू है और 1 कप पानी हमने डाल दिया है। ये हरी मिर्च डाल देंगे। अब ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। काला नमक, सादा नमक, जीरा पाउडर, और ये 2 पत्तियाँ हमने पुदीने की साबुत रखी हैं, इन्हें हम सजाने के काम में लेंगे। और 10-12 पत्ती जो हमने बारीक काट लिए वो इसमें डाल के मिला दें। नींबू का रस भी निकाल के मिला देंगे। सत्तू का नमकीन शरबत तैयार है और इसको 1 पुदीने की पत्ती ऊपर से डाल के सजा देंगे। अगर आप शरबत को ज़्यादा ठंडा करके पीना चाहते हैं तो थोड़ी सी बर्फ़ कूट करके ऊपर से डाल लीजिए। बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा शरबत हो जाएगा। गर्मी के मौसम में 1 या 2 गिलास सत्तू के शरबत का बनाकर पिएं तो ये आपको ठंडक भी देगा और लू से भी बचाएगा। आप सत्तू का नमकीन शरबत बनाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।